तो क्या आप पाकिस्तानी फनकारों को बॉलीवुड में फिर एक मरतबा देखना चाहेंगे? पाकिस्तानी फनकारों की बॉलीवुड में वापसी दिलचस्प होगी। लास्ट मंथ बॉम्बे हाई कोर्ट ने पाकिस्तानी फनकारों की हिंदुस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री में काम ना करने वाली अपील ये कहते हुए मुस्तरद कर दी थी कि फन सरहदों के दरमियान फासलों को कम करता है। अब जबकि पाकिस्तानी फनकारों के बॉलीवुड में काम ना करने की दरख्वास्त अदालत ने मुस्तरद कर दी है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं फवाद खान की। पाकिस्तान के मारूफ अदाकार ने बॉलीवुड की 3 फिल्मों खूबसूरत, ए दिल है मुश्किल, कपूर एंड सन्स में काम किया, लेकिन इनकी अदाकारी को ना सिर्फ फिल्म शायकीन ने बल्कि नाकदी ने भी काफी पसंद किया था। ये कहना गलत ना होगा कि लाखों हिंदुस्तानी इनके फैंस हैं। वो बॉलीवुड में ना सही पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में बहुत फेमस हैं और फैंस इन्हें वहाँ के ड्रामों और फिल्मों में शौक से देखते हैं। तो दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं मायरा खान की। बॉलीवुड ने इनकी सलाहियतों की सिर्फ झलक देखी। फिल्म रईस में शाहरुख खान के साथ काम करने के बाद वो कोई और फिल्म ना कर सकी। ताहम पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में ये काफ़ी फेमस है। इनका शुमार दुनिया के बेहतरीन और खूबसूरत अदाकाराओं में से होता है। तीसरे नंबर पर हम बात कर लेते हैं सबा कमर की। सबा कमर फिल्म हिंदी मैरा में इनकी बासर अदाकारी आज भी शायकीन के जहनों पर नक्श है। इस फिल्म के बाद वो बॉलीवुड के किसी और प्रोजेक्ट में काम ना कर सकी। दुनिया भर में मशहूर पाकिस्तानी गुलकार आतिफ असलम के जितने फैंस हिंदुस्तान में हैं, उतने दुनिया के शायद किसी हिस्से में होंगे। इनके नगमे मौजूदा नस्ल भी बड़े शौक से सुनती है। इनकी आवाज़ का जादू हर जगह है। उम्मीद है कि आतिफ असलम बॉलीवुड के मजीद नगमों को अपनी आवाज़ देंगे। अपनी मुनफरद आवाज से बॉलीवुड के नगमों में जान डालने वाले राहत फतेह अली खान बरसों से पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में मशहूर हैं। उन्होंने हिंदुस्तानी शायकीन को कई यादगार नगमे दिए हैं जिन्हें आज भी शौक से सुना जाता है। अब बात कर लेते हैं अली जफर की। अदाकार और गुलकार अली जफर बॉलीवुड में काफी फेमस थे, मगर अब उन्होंने पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री का रुख कर लिया है। वो एक जाने माने फेमस एक्टर हैं जिन्हें बॉलीवुड फिल्मों में देखना दिलचस्प होगा। के साथ ही हम बात करते हैं इमरान अब्बास की। क्रिएचर्स 3D, जानिसार और ए दिल है मुश्किल में काम करने के बाद इमरान अब्बास बॉलीवुड से रुखसत हो गए। दुनिया के बासलाहियत और खूबसूरत अदाकाराओं में शामिल होते हैं इमरान अब्बास। बॉलीवुड में अपनी अदाकारी की छाप ना छोड़ सके, ताहम पाकिस्तान में वो एक मारूफ अदाकार है। अपने हिंदुस्तानी फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर्स से पूछना चाहती हूँ कि आप सारा खान, नीलम अनीर, सनम सईद, इकरा अजीज हुसैन, हानि आमिर और अली सेठी जैसी बासलाहियत फनकारों को भी बॉलीवुड में देखना चाहेंगे? तो प्लीज़ मेरे कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो का एंड करती हूँ। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़। हमेशा खुश रहें।